आज मैं आपके साथ लौकी की एकदम नई रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से हमारी बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर के तैयार होती है। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है। जो लोग लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो भी इसको बड़े ही शौक से खाएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए मैंने आधी लौकी ली है, इसको मैंने छीलने के बाद धो लिया है। अब इसको देखिए इस तरीके से पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। अब लौकी को इस पैन में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक को इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से गलने तक उबाल लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। अभी मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया है। इनको छील करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब इनको जार में डाल देंगे। इसमें 5 से 6 कली लहसुन के डालेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इनको बारीक पीस लेंगे। आलू को मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसको इस तरीके से किसी भी चौड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। इसको भी उबलते हुए करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये लौकी भी देखिए अच्छे से गल गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें से लौकी को निकाल लेंगे। अब लौकी को भी जार में डाल देंगे। अब इसको भी बारीक पीस लेंगे। अब इसको भी इसी बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 1/2 कप सूजी डालेंगे। इसमें 1 कप अरारोट डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। आप चाहो तो इसमें बेसन की जगह मैदा भी डाल सकते हो। अब बेसन को भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका इस तरीके का थोड़ा टाइट सा डो लगा लेंगे। अब इस पैन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अभी हाई फ्लेम पे पानी में उबाल आने देंगे। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इसमें से थोड़ा सा मिक्स लेंगे। इसको देखिए इस तरीके से हल्का सा गोल करेंगे। अब इसमें उंगली से इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। आप इसकी शेप भी अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हो। आपको जो भी शेप पसंद है अपने हिसाब से बना लें। इसी तरीके से पूरे मिक्स की शेप बना लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। पूरे मिक्स की शेप बना ली है। पानी में भी देखिए उबालना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें इन पीसों को डाल देंगे।
इनको पानी में अच्छे से डिप कर देंगे। अब इनको हाई फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट उबाल लेंगे। इनको बीच में 1 से 2 बार चला भी देंगे, जिससे क्या है सभी पीस बराबर से पके। इनको उबलते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इनको छन्नी से छान लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अभी मैंने करीब 10 से 12 कली लहसुन के लिए हैं। इनको देखिए इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। लहसुन को इसमें डाल देंगे। अब लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, हल्का सा ही पकाएंगे। अगर आप चाहो तो इसमें तिल्ली के ऑयल की जगह रिफाइंड ऑयल या फिर बटर भी ले सकते हो। ये लहसुन भी देखिए हल्का सा पक गया है। अभी मैंने 2 प्याज लिए हैं और आधा पत्ता गोभी लिया है। इनको भी देखिए इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इनको भी फ्राई पैन में डाल देंगे। अब इनको हल्का सा चलाएंगे। अभी फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है, आधा चम्मच ओरिगेनो है। इसमें सब्जियों के हिसाब से नमक डालेंगे। इसमें 2 चम्मच पिज्जा पास्ता सॉस डालेंगे। इसमें 2 चम्मच जितना ही ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। 2 चम्मच इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। इसमें 1 चम्मच जितना सोया सॉस डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 4 से 5 चम्मच जितना टमाटो केचप डालेंगे। इनको एक बार और मिक्स करेंगे। अब हमने पीस बनाए हैं, इनको भी इसी में डाल देंगे। अब इनको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इनको ढक करके लो फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। इनको पकते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें थोड़े से सफेद तिल डालेंगे। अब इनको डिश आउट कर लेंगे। अब मैं आपको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये हमारी बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है। अगर आपने आज से पहले कभी भी इस तरीके से लौकी की रेसिपी बनाई हो या फिर खाई हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं ज़रूर। तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।